चला ठीक बा आओ पीछे कर आओ पीछे अरे कहां जा रहे हो अरे यार रुक यार चला जाना हमें छपड़ो की मोबाइल नहीं हो पा रहा है दो ऑफ हो गया ऑफ छोड़ दो बोला चलते थे पास हो गया 8518 इस आंकड़ा लीजिएगा चाहे आपको छठ घाट का मामला हो छठ घाट हमने बनाया है जरूर बनाया है बड़े बड़े जगहों पर नहीं बनाया है बनाया है जो है चले जाइए आप यहाँ पर बहिरों के लख पर जहाँ पासवान समाज के लोग जो है जमीन में जो है इसी तरह बैठ के जो है अपना छठ घाट मनाते थे और छठ जैसा महापर्व मनाते थे वहाँ छठ घाट बना है। आप चले जाइए छोटकी सनदिया वहाँ जो है छठ घाट बनाया है। अभी पिरौटा जो है दलित के मोहल्ले में छठ घाट बनाया है। वैसे जगह को चुनने का काम किया है इसलिए कि जो जनप्रतिनिधि होता है और हम जिस मजहब को मानने वाले हैं उसमें इंसाफ प्रस्ती जो है हम लोगों का जो है प्रोफेट मोहम्मद जो है साहब ने हम लोग को बताया है कि एक पड़ोसी है चाहे वो किसी बिरादरी किसी मजहब का मानने वाला हो अगर वो भूखा है तो उसके साथ इंसाफ होनी चाहिए। वो इंसाफ हम एक जनप्रतिनिधि के नाते करना चाहते हैं और इंसाफ हम जो है जानते हैं कि वो काम कैसे होगा इसलिए हम पैनी निगाह अपने रखते हैं और एक एक आदमी को मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। हम कोई योजना देते हैं तो किसी के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं खुद जो है पदाधिकारियों से सर्वे करते हैं कि आप उस जगह पर काम करें। उसी कड़ी में ये इलाका वंचित था पिछड़ा था गरीब था और जिसके नुमाइंदगी करने वाले अभी वार्ड काउंसलर मौजूद हैं पूरा जलमग्न होता है। वैसे इलाके में जो जीना दुर्लभ था उनको कुछ राहत देने का काम किया। हम बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं थोड़ा राहत दिए हैं। आप बताइए पूरे आप शहर में चले जाइए हम लगातार इस मांग को कर रहे हैं। आरा की मुख्य समस्या ड्रेनेज है और ड्रेनेज जो है आजादी के बाद क्या कारण रहा कि आरा शहर को ड्रेनेज से मुक्त नहीं कराया गया। ड्रेनेज जो है सिर्फ जो सर्किट हाउस और हरी जी के हाथा से जो है ना मामला चकाचक नहीं नजर आएगा। जो आरा का मेन जगह है आप बताइए जो कसीर आबादी पुरानी आबादी तो यही इलाका बस रही है क्या कारण है कि ड्रेनेज नहीं बना। क्या कारण है कि हम लोग के ये पूरे इलाके में आप बताइए नाली जो है निकलने का रास्ता नहीं। हमने सदन से लेकर मुख्यमंत्री तक हंगामा किया और उसी का परिणाम है कि 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट ये नाला का जा रहा है। ठीक है उसमें देरी हुई है ठेकेदार जो है मर्डर केस में फंस गया। कुछ जो है काम जहां होता है पहले से जो है नाला चल रहा है तो कहीं अवरुद्ध करता है फिर खोलता है फिर अवरुद्ध होता है फिर खोलता है तो उसमें देर होती है। लेकिन जो जाने का रास्ता नाला का कहीं नहीं था उसको गिराने का हम संकल्प लिए थे और उसको आज़ादी के बाद ये पहला काम है जो इस काम को प्रोजेक्ट को कराएं। दूसरा यहाँ चलना जा रहा है 9 ड्रेनेज जो है बनने जा रहा है शहर का 4 जोन में बांटा गया 7 जोन में 4 जो है जाएगा गांगी में और 3 जाएगा जो है नहर में 137 करोड़ का प्रोजेक्ट। ये नाला का है आरा की रोड की समस्या आप बताइए कहता है लोग कि विकास आरा का हुआ। हम जानना चाहते हैं हम तो सदन में से लेकर माननीय जो आर के सिंह से भी हम चुनौती के रूप में हम उनको भी बताने का काम किया कि आप विकास करना चाहते हैं लेकिन जमीनी हकीकत को आप नहीं जान रहे हैं इसलिए जमीनी हकीकत को हम आपके सामने रूबरू करना चाहते हैं कि ये पहला आरा शहर है जहां आरा का कोई भी रोड PWD का नहीं सब नगर निगम है। नगर निगम जब नली गली साफ नहीं करा पा रहा है उसके पास पैसा नहीं है तो ये रोडवा कैसे मेंटेन होगा। ये रोड जानते हैं मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है ये रोड नगर निगम का है और इसको DM से और तमाम लोगों से लड़ के 10 लाख दिलवाए थे तो मेंटेन हुआ था। तो ये मांग रहा है जैसे कि हम दे दिए तो बन गया वो दे दिए तो बन गया तो ये तो कोई मामला नहीं हुआ। हम चाहते कि इसका स्थायी निदान लिखे कि PWD में ये टेक ओवर हो ये रोड और इसलिए हमने स्क्रिप्टिंग के से नगर निगम से नो ऑब्जेक्शन भिजवाया PWD से नो ऑब्जेक्शन बनवाया DM से नो ऑब्जेक्शन बनवाया उसकी फाइल पटना में पहुंच गई है और उस काम को अंतिम मुकाम तक हमने पहुंचा के रखा है। हम चाहते हैं कि रोड भी सर जमीन पर उतरे अगर वो PWD के होगा तो PWD हमेशा मेंटेन करेगा। इसलिए हम लोग अपने निधि का उपयोग गरीब जो
और ये इसीलिए ये सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का यही नारा है, हमारे नेता का भी है, लमानी ला नीतीश कुमार भी चाहते हैं, तो गरीब वंचित जहां है पहले ना वहां हो, इसलिए उस कड़ी में इसका काम हो रहा है।